और बात करते हैं सीहोर की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह क्षेत्र बुधनी में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जिसके कारण नर्मदा नदी में होने वाले अवैध रेत खनन का कवरेज करने गए पत्रकार को रोककर न केवल माफियाओं ने मारपीट की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में जहां 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है, तो वहीं 1 दर्जन दूसरे लोगों के खिलाफ पत्रकार के ऊपर मारपीट और IPC की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि रेत माफिया पावर मैक कंपनी एवं खनिज विभाग मिलकर मां नर्मदा नदी का सीना छलनी कर रहे हैं और उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। नर्मदा में खनन पर रोक के बावजूद भी सैकड़ों मशीन लगाकर रेत माफिया सैकड़ों डंपर रेत नदी से बाहर निकाल रहे हैं। NGT की रोक के बावजूद माफियाओं के द्वारा JCB पोकलैंड मशीनें लगाकर रेत का अवैध कारोबार किया जा रहा है, जिसके कारण रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आरोप तो ये भी है कि खनिज विभाग के संरक्षण में ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है। जहां सीहोर के नसरुल्लागंज के ग्राम दिमावर में रेत माफियाओं के द्वारा नर्मदा नदी में 1 दर्जन से अधिक JCB लगाकर अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, जिसकी कवरेज करने गए पत्रकार के साथ मारपीट और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। विराट 24 न्यूज के लिए सीहोर से पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। की बात नहीं है, तुम ये बताओ मेरे को, क्या बताओ? हमने तक किसी को नहीं खोदने दिया यार जगह। क्यों खोदेंगा हम तो? हैं? खोदेंगा? क्यों खोदा? चल रही वहाँ मशीन चल रही। बाकी वह मशीन से मना कर। रघुवीर भाई की मशीन चल रही। रघुवीर भाई की मशीन उधर चल रही थी, नहीं चल रही। तो जगह तुम्हारा खेत के सामने भी हो, तुम्हारी तली वहाँ से है, आपकी बाउंड्री वहाँ से है। आगे बात समझ में? ठीक है। ऊपर से आपकी बाउंड्री कहाँ से? हमने तो आज तक नहीं रोके कहीं का। कौन से कहाँ से रोके? कहीं का जी के नहीं रोके हमने आज तक। कौन मना कर रहा है? हम नहीं रोका। क्यों रोका? हमारे बाप की जागीरी है का नीचे दरवाजा जी में। अच्छा, जो हम रोकेंगे उनके, ये भाई से पूछ लो, ये पढ़े लिखे आदमी है। ठीक है, चिंता मत कर, पड़ेगा। हम अंगूठा टेक नहीं है, अंगूठा टेक हम नहीं। हाँ, तू तो बुलवा ले जेका बुलवानू। अरे तो मैं कौन का बुलवाऊँ? अरे मैं तो अधिकारी की बात करूँगा। हाँ, अधिकारी का बुलवा ले। है हमारी मशीन दिख रही है तो इधर मत चलाओ ना यहाँ पे यार। अरे हम तो चलाएंगे। जहाँ क्यों चलाएंगा? तो चलाएंगा हम। आप क्यों चलाएगा? चलाएंगा हम तो सब कुछ नर्मदा ही चलाएंगा। मशीन को चलाओ ना। ठीक, चला लो। चलाएंगा हम तो। निवान संवाददाता हूँ, नसरुल्लागंज का हूँ। मैं अभी बहुत दिनों के बाद अपनी फसल देखने खेत में गया था, तभी मैंने देखा है कि सब मेरे खेत के सामने JVC मशीनें चल रही है। मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए मतलब कवरेज करने की कोशिश की, तो इसी में जो रेत माफिया हैं 10-12 लोग मेरा पर हमला बोला और मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे वहाँ में गालियाँ दी और ये भी तक कहा कि अधिकारियों को हम पैसे देते हैं, हम तेरे से पत्रकार डरते नहीं हैं। और ऐसे पत्रकार लोग बहुत आते हैं हमारे पास। इस तरह की मेरे साथ दुर्व्यवहार किया इन्होंने और आगे जान से मारने की धमकी दी। अगर ऐसी कोई कवरेज करता हूँ तो मेरी जान को खतरा है। आगे आपने आके रिपोर्ट करवाई या नहीं करवाई? मैंने थाने में आकर अभी तत्काल रिपोर्ट कराई है और रिपोर्ट लिख ली गई है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है। आप आगे क्या चाहते हो? ये जो रेत माफिया हो रहा है और ये बंद होना चाहिए, ये क्या कहना है? NGT की रोक लग चुकी है, इसके बावजूद भी इस तरह का अवैध उत्खनन चल रहा है तो किसके सह पर चल रहा है? किसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसके जिम्मेदार जो माफिया वर्ग है जिन्होंने मेरे पर हमला किया है या उनके गुर्गे जो भी हैं, क्या वो जवाबदार रहेंगे? और अधिकारी भी इसके ऊपर इसमें मतलब संलीन रहेंगे अगर मेरे को कुछ होता है तो। आप किसी का नाम बता सकते हैं कि आपके ऊपर इनके ऊपर शंका है? जो ये जिनमें जो संदीप यादव है भूरा करके है, उसका भाई है एक सुमित यादव है, यदुवंशी है, ये सब, और बाकी 10-12-25 लोगों की टीम है। मेरे पास वीडियो रखे हैं जिनको मेरे को मारा गया है। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने मैं अकेले को रोककर वहाँ पर मारने की कोशिश करी। मेरे साथ मेरा भाई था जो खेत में मूंग की फसल देखने रहा था, वहाँ दौड़ के आया, मेरे को बचाया उसने। अगर वो नहीं बचाता ये शायद मुझे शायद मार देते वहाँ पर।